हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको कटिंग अपडेट दिखाऊंगी और उसकी रिपोर्ट भी करूंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। लाइक करने में आपके पैसे भी नहीं कटते हैं, तो लाइक करते जाइएगा और कमेंट भी करिएगा। तो देख सकते हो मेरे गुलाब के पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी है और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही है। हाइब्रिड गुलाब है और देसी गुलाब में भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। ये बड़ा वाला देसी गुलाब है, ये देखिए बहुत साइज भी बड़ा है, अभी ये अच्छे से खिले नहीं है। और इधर अलमंडा में भी काफ़ी अच्छे से कलियां बनी हुई है, ये भी दो दिनों में खिल जाएगी, फूलों से भर जाएगा ये पौधा। तो बारिश अभी दो दिनों से रुक सी गई है, तो मैंने सोचा गार्डन की साफ सफाई भी करनी हो जाएगी और रिपोर्टिंग भी करनी हो जाएगी जो भी मैंने कटिंग लगाई थी, क्योंकि बरसात में कुछ भी करने का मन नहीं होता है गार्डन में, ना इधर उधर पौधे रखने का। ये देखिए पंचमुखी बिस्कस में भी अच्छे से फूल खिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये जब खिलते हैं तो। और मेरे पास तो बहुत सारे पौधे हो गए हैं, ये पंचमुखी सभी कटिंग से लगे हुए हैं और दो पौधे मेरे खरीदे हुए हैं। और ये देख सकते हो पिंक कलर का गुलाब का पौधा है, और ये देखिए ये रानी के भी मैंने कटिंग से लगाई थी, और ये दिन का राजा उसकी कटिंग है। तो सभी कटिंग मेरी चल चुकी है, तो आज इसी को रिपोर्ट कर दूँगी मैं। और जितने भी मैंने कटिंग लगाई थी सभी कटिंग अच्छे से चल पड़ी है, बस थोड़ी थोड़ी करके अभी जगह कम होने की वजह से मैं रिपोर्ट करती जाऊंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है, इसकी कटिंग लगाई है मैंने, और भी पौधे हैं इसके, तो वो बूसी हो जाए इसके लिए मैंने कट कर दिया था, तो उसी को कटिंग लगा ली। और ये देखिए ये भी दिन का राजा के पौधे हैं, और ये देखिए यहाँ पे दो तीन कटिंग लगा के रखी थी मैंने दिन का राजा की, तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये अच्छे से ग्रोथ पे भी है, और अभी निकालती हूँ मैं, और देख सकते हो बहुत अच्छे से इसमें रूटिंग हो चुकी है। तो अभी मैं इसे रिपोर्ट कर देती हूँ। और मैं सावनी का पौधा भी लाई थी नर्सरी से कल 80 रुपये में, तो उसे भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो इस तरह से पॉली बैग में ही लगा देती हूँ जो मिट्टी भरी हुई थी, बाद में ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो नए पॉट में लगा दूँगी। थोड़ी थोड़ी करके हमें सभी जो कटिंग है गुलदाउदी की भी वो भी चल पड़ी है, उसे भी मैं लगा दूँगी बाद में। और ये ऐसे अभी पॉली बैग में ये छोटी छोटी जो नर्सरी से आई हुई होती है उन्हीं में मैं रिपोर्ट करती जाऊंगी, और बाद में जब पौधे बड़े हो जाएंगे तब मैं पॉट देखूंगी, क्योंकि ये देखिए इसमें रूट नहीं बने हैं अभी तक, इसमें अभी अच्छे से पत्ते तो निकल रहे हैं पर रूट नहीं बने हैं, तो इसे भी ऐसे ही लगा देती हूँ पॉली बैग में, ये भी फिर रूट बना ही लेगा। और उसके बाद ये देखिए सावनी का पौधा 80 रुपये में लाई थी नर्सरी से, रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें, तो इसे इस पॉली बैग में लगाती हूँ अभी, बाद में जब गमला खरीदूँगी तो गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। और ये अगर आप पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो आप पॉली बैग में लगाया करो पहले, जब पौधा अच्छे से बढ़ जाए तब आप गमले में लगा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ पॉली बैग में लगा देती हूँ, तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से हवा मिल जाती है उनके रूट को, और काफ़ी अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हो जाती है। और हम गमले में लगाते हैं तो वो एकदम से ऐसे मिट्टी ऐसे चिपक जाती है, अच्छे से रूट को हवा नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी शायद पौधे अच्छे से बढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे तो पहले आप पॉली बैग में लगाया करो,
तो मैंने इसके रूट बाल को थोड़ा सा निकाल लिया है मिट्टी, ये थोड़ी मिट्टी चिकनी है इसको थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है, और ये मेरी पुरानी मिट्टी है पॉली बैग में, और मैंने कुछ DAP के और पोटैश के दाने भी डाल दिए हैं इसमें। गोबर की खाद तो पहले से ही मिली हुई है इस मिट्टी में, और अच्छे से पोरस मिट्टी भी बनी हुई है, तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। और अभी पूरी मिट्टी इसमें डाल दूंगी और इसे अभी शेड एरिया में ही रखूंगी, जब बारिश होगी तो मैं इसे बारिश में रख दूंगी, तो ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से मैंने आज कुछ काम कर लिए अपने गार्डन के। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर ये सावनी का पौधा अच्छा लगता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।